आज हम बनाएंगे आटे और सूजी की बहुत ही अच्छी मसालेदार पूरी। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा ले लिया और इसके अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ सूजी। यहाँ मैंने 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 1.5 कटोरी मैंने यहाँ सूजी डाली है। यहाँ मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे पूरे परिवार के लिए है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे जिससे हमारी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने ले ली थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो हमारी पूरी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आएगी। और साथ में हम यहाँ डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से भी जो हमारी पूरी है वो बहुत स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ मैंने लगभग 1 टेबल स्पून अजवाइन ली है और अजवाइन को हम थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन की खुशबू भी हमारी पूरियों के अंदर बहुत अच्छी सी आएगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा। और साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। और साथ में हम यहाँ डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। और साथ में हम यहाँ डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं। ये तो थे हमारे कुछ मसाले जो हमने अपनी पूरियों के अंदर डाले हैं। अब यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए हैं। ये जो आलू है मैंने बॉयल करके लिए हैं और इस तरह से हम अपने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ये भी हम अपने आटे के अंदर डाल देंगे इस तरह से। और जो ये हमारी पूरी है इसे हम बच्चों के लंच बॉक्स में, बच्चों के ब्रेकफास्ट में हम बच्चों को दे सकते हैं। इसे जो ये हमारी पूरी है इनको बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। अब साथ में मैं यहाँ डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा मोयन। यहाँ मैं देसी घी का ही प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी ऑयल का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं जिसको आप खाते हैं। आप यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं या दूसरा ऑयल जिसको आप यहाँ खाना पसंद करते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अपने आटे के अंदर अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ जो हमने सूजी डाली है इससे जो हमारी पूरी है वो बहुत ही कुरकुरी बनती हैं। और यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब हम इसका डो तैयार करेंगे तो वहाँ हमने गुनगुने पानी का ही यहाँ प्रयोग करना है। यहाँ हमने ठंडे पानी से अपने आटे को नहीं बनाना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी मिलाते जाइए और इसको अच्छे से बनाते जाइए। अब आप देखिए जो ये हमारा आटा है ये हमने अच्छे से बना के तैयार कर लिया है। अब मैं अपने इस आटे के ऊपर, अब जो ये हमारा डो है इसको हमने बना के तैयार कर लिया है। यहाँ हमने ना तो इसको ज़्यादा सॉफ्ट बनाया है और न ही ज़्यादा टाइट बनाया है। इस तरह का डो हमने अपनी पूरियों के लिए बनाना है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसको 10 मिनट ढककर रख देती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ सूजी का प्रयोग किया है। जो सूजी है हमारी वो फूलती है, तो हमने अपने आटे को 10 मिनट ढककर अच्छे से रखना है। अब जो ये हमारा आटा है इसको हमने रखे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए कितना सॉफ्ट आटा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इस तरह से हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से और थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से अपने आटे को सेट करके पूरियां बनाएंगे तो जो हमारे पूरी हैं बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएंगी। अब हमने यहाँ इस तरह से और इसके हम इस छोटे छोटे पीस कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमने जैसे एक पीस को लिया अपने हाथ के ऊपर और आप चाहे तो इसे चकले बेलन के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन हम जो ये हमारी पूरी है अपने सरफेस पे ही यहाँ थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और इस तरह से अपनी पूरी को सेट कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ मैंने थोड़ा सा अपने बेलन के ऊपर भी घी लगाया है और अब हम अपनी पूरी इस तरह से बेल के तैयार कर लेते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से पूरी मोटी या पतली बना सकते हैं। अब आप देखिए
इस तरह से हम अपने सभी पूरियां बना के तैयार कर लें। अब जो ये हमारी पूरी है इनको हमने अच्छे से बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इनको तलने के लिए लेके मैंने देसी घी लिया है। एक बार हम अपने घी को चेक कर लेते हैं कि हमारा घी अपनी पूरियों के लिए अच्छे से तैयार है या नहीं। अब आप देखिए जो ये हमने छोटी सी आटे की बोल डाली थी ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है और जो ये हमारा घी है ये हमारे पूरी तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी पूरियां अपने घी के अंदर डालते हैं। अब हम एक एक करके अपनी पूरियां अपने घी के अंदर डालेंगे। अब जो ये हमारी पूरियां हैं आप देखिए कितनी अच्छे से बनके तैयार हो गई हैं और अब हम अपनी सारी पूरियां इसी तरह से तल के तैयार कर लेंगे और ये पूरियां खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो देखिए कितनी अच्छी सी हमारी पूरी बन चुकी है। आपने मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप जब ये रेसिपी बना के देखेंगे आपकी रेसिपी कैसी बनी उसे आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।